और वहीं शनिवार को चौथे चरण के प्रचार के लिए आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के बेगूसराय में मौजूद थे, जहां विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। कांग्रेस और आरजेडी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और वहीं जनता को मजबूत सरकार के मायने भी समझाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहा उन्होंने बेगूसराय में। बिहार में गर्जे सीएम योगी। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। योगी का आक्रामक अंदाज। नए भारत का नया बिहार भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब की बार 400 पार। फिर एक बार योगी का। फिर एक बार। अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का प्रचार अभियान थम चुका है, लेकिन चौथे चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन सीएम योगी बिहार के बेगूसराय में जमकर गर्जे और जनता को संबोधित कर बताया कि मजबूत सरकार होती है तो किस तरह दुश्मन औकात में रहते हैं। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। जब मजबूर सरकार होती है तो आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। उस सरकार ने सुरक्षा भी दिया है, सम्मान भी दिया है, विकास भी कराया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया है और आपकी आस्था को भी सम्मान दिलाया है। अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। काशी में आप जाएंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन आपको फिर नए रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ सीएम योगी कांग्रेस और लालू यादव पर जमकर बरसे और कहा इनकी राज में देश में आतंकवाद की घटना होती थी तो सरकार कार्रवाई के बदले कहती थी कि आतंकवाद सीमा पार से है, लेकिन आज एक पटाखा फूटने पर पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है। आज सीमा पार से आतंकवाद नहीं, आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। योगी ने कहा बिहार ही नहीं, लालू और कांग्रेस के नेतृत्व में देश में अराजकता चरम पर थी। नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़कर बोल रहा था। आज जब भारत विकसित बन रहा है तो लालू यादव लालटेन राज में ले जाना चाहते हैं। और भाइयों, रेलवे का हो, हाईवे का हो या फिर हर घर नल की योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन करा रही है। तो नए भारत का नया बिहार भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 400 सीटों के साथ प्रचंड जीत का वादा किया है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जगह जगह हुंकार भर रहे हैं। सीएम योगी भी लगातार सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज दिल्ली में वही आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास पर ही ये बड़ी बैठक बुलाई है, जहां दिल्ली के जो तमाम विधायक हैं वो एकत्रित होने वाले हैं। जेल से बाहर आने के बाद ये बड़ी बैठक पहली बार होने वाली है, क्योंकि इसके पहले कोई बैठकें नहीं हुई है। 21 मार्च से जेल में थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब बाहर आ गए हैं अंतरिम जमानत पर और इसी के साथ उन्होंने मीटिंग भी बुला ली है। आपको बताया कि इसके पहले जेल से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी मिशन पर लगातार जुटे हुए हैं, चाहे जनसभा हो या फिर रोड शो। इस बीच आज सीएम केजरीवाल अपने आवास पर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। तिहाड़ से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल की ये पहली बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली के सभी विधायकों को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल विधायकों के साथ इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। दिल्ली में छठे चरण में मतदान होना है और दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। ऐसे में चुनाव प्रचार थमने और मतदान से पहले के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और सभी विधायकों को एक एक टास्क दिया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।
2 जून को केजरीवाल को उन्हें जेल वापस जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रह्म मुहूर्त में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी। पीएम मोदी के नामांकन से पहले वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बीजेपी का मेगा शो, 1000 ड्रोन से लेजर शो के जरिए 10 साल की उपलब्धि दिखाई। ड्रोन शो में काशी विश्वनाथ धाम के बदले स्वरूप के साथ गंगा आरती, नमो घाट, गंगा विलास क्रूज और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल की आकृति आसमान में दिखाई गई। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि, मंडी के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से सेब, पिकानट, अखरोट और नाशपाती जैसे फलों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। यूपी के बुलंदशहर के अनूपशहर गंगा में स्नान कर रहे 3 भाई अचानक डूबे। मौके पर मौजूद पीएसी के जवानों ने 2 युवकों को बचाया, वहीं एक युवक पानी के तेज बहाव में डूब गया जिसकी तलाश जारी है। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध हालत में हुई मौत, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया गला दबाकर हत्या करने का आरोप, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुए एक शख्स का मक्का के खेत में मिला शव, गांव में दहशत का माहौल, 2 दिन से लगातार परिजन कर रहे थे तलाश, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश के खिलाफ एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, एनआईए ने जम्मू इलाके के डोडा, किश्तवाड़, रामबन जिलों में 6 जगह पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां से बड़ी मात्रा में साजिश से जुड़े हुए दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए। राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान पर पीएम मोदी का हमला, बोले राष्ट्रपति के मंदिर में प्रार्थना करने पर शुद्धिकरण की कर रहे हैं बात, राष्ट्रपति और प्रभु राम का किया अपमान। झारखंड के चतरा से पीएम मोदी का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, कहा मुस्लिमों को आरक्षण देकर ओबीसी का हक छीना चाहती है कांग्रेस, चुनाव के शहजादे की पार्टी को उम्र से भी कम सीटें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा बीजेपी में पीएम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे पीएम मोदी।